हेलो फ्रेंड्स, और आपका आज की इस न्यू वीडियो में बात करेंगे कि आप जो घर में जो आपका फ़ोन अगर डैमेज हो गया है वाटर के अंदर, यानी कि पानी में बिक के आपका फ़ोन बिगड़ गया है, तो आप कैसे उस फ़ोन को अच्छा कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को जो ठीक कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो टिप नंबर 1 है, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को बाहर निकालें। अगर आपका फ़ोन पानी के अंदर भीग चुका है या फिर पानी के अंदर गिर चुका है, तो सबसे पहले उसे आप लोग पानी में से बाहर निकालें और उसके अंदर जो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड है तो उसे बाहर निकाल कर साफ कर दें। और आपका जो भी कोई अच्छा कपड़ा हो तो उस कपड़े की मदद से आप लोग जो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को साफ कर सकते हो। और उसके बाद आपके फ़ोन को भी ज़रूर साफ कीजिए। नंबर 2 है, हेडफोन और स्क्रीन गार्ड। तो अगर आपके फ़ोन में जो हेडफोन और स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो सबसे पहले आप अपना जो हेडफोन है तो उसे निकाल लीजिए। और उसके बाद जो आपके फ़ोन के ऊपर जो स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड है तो उसे भी आप लोग हटा दीजिए। तो नंबर 3 है, हेयर ड्रायर का उपयोग न करें। क्योंकि अगर आप लोग जो आपके फ़ोन को पानी में सुखाने के लिए अगर आप लोग जो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करोगे तो हेयर ड्रायर की जो तेज हवा होती है तो उसकी वजह से आपके जो फ़ोन का जो पानी है वो दूसरे पार्ट्स में भी जा सकता है और आपकी जो हवा गर्म आएगी हेयर ड्रायर की तो उससे आपके जो फ़ोन के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो पिघल भी सकते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग कभी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 है, प्लास्टिक बैग के अंदर चावल डालकर रखें। अगर आपके जो पानी है तो वो फ़ोन के अंदर चला गया और उसको आपको सुखाना है तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक बैग या फिर जो आपके कोई भी एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है और उसके अंदर आपको चावल रख देना है। और उसके बाद जो चावल के अंदर आपको अपना फ़ोन रख देना है। अगर जो आपके फ़ोन के अंदर जो भी मॉइस्चराइज होगा यानी कि जो हवा अंदर भेज है तो वो चावल खींच लेगा। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 1 या 2 दिन तक उसको रखना पड़ेगा। तो जिससे आपका जो चावल है वो आपके जो फ़ोन के अंदर जो सब भी पानी है तो उसे खींच लेगा। तो इसके लिए आप लोग जो चावल के अंदर अपना फ़ोन डाल के रहने दीजिए। तो आपका फ़ोन भीग चुका है और आपने उसे पूरी तरीके से सुखा लिया है तो भी उसके अंदर फ़ोन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है तो उसके अंदर जो आपका जो पानी हो सकता है तो उसकी वजह से आप लोग जो अपने फ़ोन को जो सूर्य की तेज गर्मी है तो उसके अंदर रखोगे तो वो जो पानी है वो उधर से निकल जाएगा। अगर तब भी नहीं निकलता है तो आप लोग जो वैक्यूम क्लीनर आता है तो उसकी मदद से आप लोग जो पानी को खींच सकते हो तो जिससे आपके फ़ोन के अंदर का पानी निकल जाएगा। तो इन 5 टिपों की मदद से जो आपका फ़ोन है वो सूख जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर जो पानी है वो भी निकल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।